मेरी अब मिशन है कि जो जुल्म सिंध के लोगों से हो रहा है, ये जो 14 साल जरदारी माफिया ने सिंध के साथ किया है, मैं सिंध अंदरूने सिंध के लोगों को खास तौर पे आज पैगाम देना चाहता हूं कि आजादी का वक्त इंशाल्लाह आ गया है। उसके बाद कराची के लोगों के लिए एक तो मैं आप सबको केसीआर की मुबारक देता हूं, क्योंकि केसीआर अभी बनने वाली है, अभी तो ग्रीन लाइन, खैर उसकी मुबारक देता हूं, ग्रीन लाइन आ चुकी है, लेकिन अभी जो हमारा कराची का पैकेज आपके सामने आता जाएगा, और मेरा ये यकीन है कि कभी कराची में किसी गवर्नमेंट ने, फेडरल गवर्नमेंट ने कभी वो काम नहीं किए जो इंशाल्लाह हम करने जा रहे हैं। मुझे अपनी कौम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज्यादा टैक्स उन्होंने हमारी हुकूमत को दिया, रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन की, और उसकी वजह से हमें तौफीक मिली कि हम अपनी आवाम के ऊपर बोझ कम करें। हमने 20 रुपए पेट्रोल और फजल रहमान को कम किया, डीजल सस्ता किया 5 रुपए यूनिट, बिजली सस्ती की, जब दुनिया में दोनों की कीमतें ऊपर जा रही हैं। आज आपको हैरत होगी ये सुन के कि पाकिस्तान में पेट्रोल और फजल रहमान दुबई से ज्यादा सस्ता है। दुबई में अपनी उनकी जमीन से तेल निकलता है, पाकिस्तान इंपोर्ट करता है, उसके बावजूद क्योंकि मेरी कौम ने मुझे रिकॉर्ड टैक्स दिया, मैंने उसका टैक्स का फायदा अपनी कौम को पहुंचाया और महंगाई से आपको बचाया।